पूर्वांचल बैंक सेवा निर्मित कल्याण समिति एवं पूर्वांचल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन तथा एम्प्लाइज एसोसिएशन के लोग अपने पहले अधिवेशन को विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर रविवार को एसोसिएशन द्वारा एक सभा का आयोजन दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के सभागार में किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एल वेंकटेश्वर रेड्डी, बैंक के चेयरमैन ए के सिन्हा, आर वी सिंह, आर आर त्रिपाठी सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अधिवेशन का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सेवा निर्मित अधिकारी और कर्मचारी पेंशन की बढ़ोतरी के लिए पिछले कई साल से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। इससे सेवा निर्मित बैंक अधिकारी और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सभा को संबोधित करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में बैंक कर्मचारियों की महती भूमिका रहती है। वे आगे भी उनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। आप हैं डॉक्टर साहब? हाँ सर, सभी लोग इधर? नहीं नहीं, हाँ सर इधर। इस बैठक के सम्मानित अध्यक्ष, इस सेवानिवृत्त के जो पांच पेज की साहित्य आपने वितरित किया है, मैं उसके मन की लड़ाई को लड़ने में जिनका अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मानी श्री स्वीकरण जी कहा है, आज इस मंच से दादा मुखर्जी को श्रद्धा से मनापित करता हुआ मैं अपनी बातें आपके बीच में रखूंगा। मित्रों, अभी कल मैं एक सम्मेलन में था, वो सेवानिवृत्त कर्मियों का सम्मेलन तो नहीं था, वो आज से कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मेलन था जिनका संबंध भारतीय मजदूर संघ से है। राजनीतिक दल के रूप में अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल के अच्छे ईमानदार संघर्षशील और समर्पित कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर पाते तो हम भी सांप्रदायिक हैं, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि यह विचारधारा की सांप्रदायिकता न रही होती तो शायद इस देश में जो धार्मिक और पंथी सांप्रदायिकता है वह पैदा ही नहीं हुई होती। ये नेताओं की उपज है, वोट बैंक की राजनीति का खेल है और इससे कोई बचा नहीं। समन्वय उनका करे समस्त विजेत्री माना होता हो जाए। तो यहाँ जो आज विजित होते हुए भारत को आप देख रहे हैं, जिनका श्रेय सत्ता में बैठे हुए हम लोग लेते हैं, 7.6% की विचार ग्रोथ रेट, 7.8% की ग्रोथ रेट, 20 साल बाद चीन से भी आगे चले जाएंगे, 25 साल बाद दुनिया का सबसे सिरमौर ताकत बन जाएंगे। अगर उसका श्रेय किसी को देना होगा तो मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि पूरे देश के बैंक कर्मियों को देना पड़ेगा अधिकार। सर, ये विजय उत्सव हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो 25/18 को आया है, जिसमें हम लोग करीबन 20 सालों की लड़ाई जीते हैं, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि इन लोगों को कमर्शियल बैंकों के बराबर पेंशन दिया जाए, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये विशेष कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें हमारे ऑल इंडिया के सारे बड़े लीडर, हमारे सेक्रेटरी जनरल श्री एस वेंकटेश्वर रेड्डी, हमारे रिटायर्ड यूनियन के महामंत्री गणपत हेगड़े, हमारे एम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री श्री शिवकरण द्विवेदी, हमारे स्टेट के अध्यक्ष श्री एल के सिंह।